हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कौफल साहू। तो आज हम जाने वाले हैं कुसगाई धाम, जो कि बालको से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और यदि आप कोरबा से आते हैं तो भी 30 किलोमीटर पड़ेगा। तो अजगर बाहर से जस्ट करते हैं, उसके बाद है कुसगाईगढ़। तो आज नवरात्रि का 7वां दिन है, तो हम लोग जाएंगे और वहाँ का देवी का दर्शन करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ का मंदिर कैसा है। तो मेरे साथ है अभी मयंक, मेरा भांजा है, जो कि हम लोग साथ में जा रहे हैं बालको। सतरिंगा जाएगी और ये वाला कुसगाई, यहाँ पे कुसगाई लिखा हुआ है। यहाँ से देख सकते हो बालको 16 किलोमीटर, बालको 25 किलोमीटर। तो गैस यहाँ से हमको लेफ्ट टर्न लेना है। तो यहाँ से तो गैस पहुँचने वाले हैं फाइनली हम, और यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं। तो गैस फाइनली हम पहुँच चुके हैं कुसगाई धाम, और यहाँ से हमको ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हैं, तो यहाँ पर सब ले सकते हैं चुन्नी उन्नी वगैरह, बहुत सारा सामान। पहुँच चुके हैं कुसगाईगढ़ के नीचे, और यहाँ से हम लोग ट्रैकिंग करके ऊपर जाएंगे सीढ़ी चढ़ के। तो चलते चलते हैं और माता जी का यहाँ यात्रा शुरू करते हैं दरबार। गाई मैया की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी। धीरे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। यहाँ पर बजरंगबली जी का विशाल मूर्ति बना हुआ है, और उसे पत्थर के काट पर बनाया गया है। बहुत ही अद्भुत और दृश्य। और यहाँ से हम लोग जाएंगे, और लगभग 100 सीढ़ी से ऊपर चढ़ चुके हैं, सांस फूल रही है। चलते हैं आगे। चलो चलो। चढ़ चुके हैं अभी, और आधा दूर बचा हुआ है। और यहाँ पास का नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ से दर्री और कोरबा और हंसदेव नदी दिखाई देता है। और पूरा जो घिरा हुआ है, यह है हंसदेव अभयारण्य। हंसदेव अभयारण्य है उसके, इसके अंतर्गत आता है। और सांस पर फूल रही है। चलिए चलते। नवा जुगा जुगिया डोंगर गाना छाए रे। नवा जुगा जुगिया, नवा जुगा जुगिया डोंगर गाना छाएगा। नवा जुगा जुगिया येरी सारा दिए बचिया ससुरा दिए गाय साध बेटी दमान बाबू पाए। नवा जुगा जुगिया डोंगर गाना छाए रे। नवा जुगा जुगिया जिका कोई काटा राम, जिका कोई काटा राम दुआ दुआ पानी का कोई काटा राम। काकर तो का यारी बारी काकर ये पुआरी, काकर तो का भाटा बारी वही तो मजा मारी। का कोई काटा राम दुआ दुआ पानी का कोई काटा राम। जिका कोई काटा राम दुआ दुआ पानी का कोई काटा राम। बड़की के यारी बारी मजली फुलवारी, छोटकी के भाटा बारी वही ती मजा मारी। का कोई काटा राम दुआ दुआ पानी का कोई गरी। ये जी चंपा चमेली रखोला में जगा ले दीदी मंगरा जगा ले कुआं पारवा। अहो संगा बारी मसाया हो बनवारी फूल
ला जगाबो कोसगाई माजी मारे रे हो पुला जगाबो कोसगाई माजी एक पैसा भाजी राजू पैसा बेचे गोरी गोली ला राखे दी मदारी अहो संघावारी में गाया हो बनवारी पुला जगाबो ओ कोसगाई मंदिर मेरी ऐसे यहाँ से अभी और बची हुई है सीढ़ी, फिर जाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा रास्ता ख़राब हो गया है और एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। यहाँ से पार करेंगे हम लोग और चढ़ेंगे। देख सकते हैं पूरा चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और घने जंगल के बीच में है देवमा विराजमान है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूरा लाइन लगे हुए हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, इधर भी बहुत सारे लाइन लगे हुए हैं। लगभग यहाँ से आधा घंटा और लगेगा दर्शन करने के लिए। पीछे है मंदिर, वहाँ पर जाएंगे हम। यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। फाइनली हम लोग कोसगाई माता का दर्शन कर चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:20। तो यहाँ से हम निकलेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं सप्तमी है, बहुत ही भीड़ लगी हुई है। देख सकते हैं दोस्तों कितना दूर तक लाइन लगा हुआ है, पीछे तक लगा हुआ है। और हम लोग जब आए तो यहाँ से लाइन लगे हुए थे और यहाँ तक पूरा लगा हुआ है। आज सप्तमी है इसलिए बहुत दूर दूर से आया है। 2019 में आया था, उसके बाद 2 साल बाद फिर आ रहा हूँ 22 में। बस कर नापते जा रहे हैं दीदी, और इतना दूर तक कर नापते हुए जाना बहुत ही। तो गाइस फाइनली हम लोग कोसगाई माता जी के दर्शन करके आ चुके हैं और अभी घर जाएंगे। बहुत अच्छा।